दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी का आने वाले एपिसोड में आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से इस समय लक्ष्मी की चाची मना कर देती है लक्ष्मी को रहने से और बोल देती है कि तुम यहाँ पर रह नहीं सकती क्योंकि मेरे पे बहुत पहले से ही जिम्मेदारी है, अब तुम कहाँ पर रहोगे। आप लोग जानते ही हैं कि यहाँ पर लक्ष्मी बोलती नजर आएगी कि ठीक है चाची, इतना तो जरूर है कि मैं अब कभी भी ऋषि के घर नहीं जाऊँगी। अगर ऐसी बात है कि यहाँ पर मेरे लिए जगह नहीं है तो ठीक है, मैं गाँव चली जाती हूँ। आप लोग जानते ही हैं कि इस समय लक्ष्मी के साथ में बहुत बुरा समय चल रहा है क्योंकि घर से नीलम ऋषि की फैमिली ने इस समय निकाल दिया है लक्ष्मी को, और इस समय मलिष्का खुश हो रही है कि चलो फाइनली लक्ष्मी हर जगह से जा चुकी है क्योंकि फाइनली अब तो लक्ष्मी की चाची तक ने लक्ष्मी को रहने से मना कर दिया है, तो अब लक्ष्मी के पास में मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर लक्ष्मी ने फिर भी अपना गांव जाना उचित समझा। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, कहते हैं कि हर एक चीज़ में एक बेहद बड़ी पहलू होता है, बेहद बड़ी जिम्मेदारी होती है, और इस समय जो देखने को मिलेगा वो आप लोगों के लिए और भी घृणा दिलचस्प नज़ारा देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बोलती हुई नज़र आ रही है लक्ष्मी की, हम हार नहीं माने थे कभी और ना अभी हम अभी कभी हार मानेंगे। आप लोग जानते हैं कि लक्ष्मी के साथ में इस समय बहुत बुरा हो रहा है और लक्ष्मी ने फाइनली घर जाने का फैसला ले लिया है, गांव जाने का। लेकिन दोस्तों, वहां पे देखने को मिल रहा है कि उस ट्रेन के साथ में जो हादसा होने वाला है, जी हां, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि उस ट्रेन में इस समय लक्ष्मी भी सवार थी जिस ट्रेन को वाकई में एक ज़ोरदार टक्कर लगी है और उस ट्रेन को पलटी गई है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर जब ऋषि को पता चलेगा, नीलम को पता चलेगा, बहुत ज़्यादा दुख होता हुआ नजर आएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मलिष्का बेहद ज़्यादा खुश होती हुई नज़र आने वाली है कि चलो लक्ष्मी की रामलीला हमेशा हमेशा के लिए अब समाप्त हुई है। क्योंकि दोस्तों, लक्ष्मी की लीला समाप्त करने के लिए मलिष्का ने ना जाने क्या क्या पापड़ बेले थे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।